जाके ले रोई रही और हमें इतनी दूरी भेजो। अरे इतनो बेकार सो जाके संग ब्याह करेगी। लेकिन भैया भगवान को देख के ब्राह्मण ने ओठ बिदोरे, कन्हैया ने जरा सा मुस्कुरा दिया और जैसे ही गोविंद मुस्कुराए ब्राह्मण बेहोश। जो होश आयो जवाब दो कि रुक्मणी ने संसार की शोभा मेरे कन्हैया में ढूंढ ली। आज बड़े प्रसन्न है कि बोले नाथ हम चले तो आए, जब पता ना कैसे आए, लेकिन अब तुम हमें जल्दी से जल्दी वापस भेज देवो। रुक्मणी आस लगाए बैठी है तो भगवान बड़े नटखटी बोले देखो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम चलो और चल के दो चार कदम फिर चलो और बैठ जाओ और फिर खांसो और फिर चलो फिर बैठो फिर खांसो। बाबा सोचेंगे कि ब्राह्मण बूढ़ो है तो हम इतने से तुम्हें छोड़े आए होते से रुक्मणी को ले आए। ठीक है ब्राह्मण उनते बड़े ढोंगे इतने से चले खांसन लगे बैठ गए। अरे दाऊ बोले जाओ कन्हैया छोड़ के आओ और सुनो कहूं बात ही मत करियो द्वारिका में बहुत बिटिया है ना तुम बोले जाओ। बोले हाँ अबे जाए रे अबे आए रे। जब तक द्वारिका में रथ रहो तो नो तो धीरे धीरे और जो द्वारिका से बाहर रथ निकलो महाराज आकाश में उड़ने लगा। ऊपर से पंडित जी नीचे देख रहे मन में विचार कर रहे अगर ऊपर से गिर पड़े ना तो हड्डी पसली ना मिलेगी और हे भगवान अगर आज अहीर के फंदा से छुट गए तो जिंदगी में परवे वाले है ना। ब्राह्मण बोले बस आज बचा ले अहीर के फंदा से जिंदगी में ऐसे काम ना करेंगे। तो जैसे ही रथ द्वारिका में पहुंचो रुक्मणी बोली जने पहुंची हुई है जन्नाए जने पहुंची हुई है जन्नाए। बोलो हाँ आए गए। बोले हाँ हम आयो बेहू आए जाओ चली जाओ। रुक्मणी ने साड़ी बांधी सोलो सिंगार करे और मैया के गले में मैया डाल के रुक्मणी बड़ी रोई और बोली है अरे